वचन अपनी धरती अपने नाम की भूमिका क्या। तो गायत्री सहारा अपने देश की रक्षा के लिए अपने वतन की आबरू के लिए करती है कि हिमगिर के शिलाखंड में अनंत ज्वाला भरता हूं। वो प्रेम करना नहीं चाहती है, वो गीत गाना नहीं चाहती है, वो पांव में घुंघरू बसाना नहीं चाहती है, वो देश की रक्षा के लिए अपने को उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। कहती है कि नहीं बनूंगी कंचन काया, नहीं बनूंगी प्रेम की माया, नहीं पसंद की राग बनू मैं, प्रलय की दोहराऊंगी नहीं गीत लिखेगाऊंगी। हम आपस से चर्चा करते हैं कि कुछ दवाओं का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि गिद्ध सारे लुप्त हो गए, गिद्ध मर गए, और वाकई वो गाय भैंस खाने वाले गिद्ध और सिपाही नहीं थे। लेकिन इनकी कल्पना देखिए कि गिद्ध अभी जीवित है। कौन गिद्ध? मुर्दा खाने वाला गिद्ध नहीं। अटल गांवों के कोठरों में गिद्ध दृष्टि गड़ाए नंगे तस्वीर देखते, फिर गाल करते मोबाइल से इंतजार करते जीवित मांस और लाश के, जिसे नोच सके अपनी जोश और पंजों से भोग पासा कौन कहता है प्रजातियां लुप्त हो रहा है। कितनी भाव लगता है, चिंतन करने की बात है। आज हमारा समाज कहां जा रहा है, हम किधर भागने से तैयार हुए हैं, मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है। इन सबसे बचाव करने के लिए इनकी ये कविता बड़ी मुझे अच्छी लगी। और साहित्य की कविताओं पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ उनकी कविताओं में जो लेकिन भावार्थ है उनकी विवेचना अपने तरीके से कर रहा है। कहीं ना कहीं यही हमारी कविताओं का सेत भी है कि जब हम पढ़ते हैं उसमें नहीं पदार्थों को सत्य अनुभव की कसौटी पर जब रखते हैं और फिर पाते हैं कि नहीं ये कविताएं वाकई में झकझोरने वाली हैं, जो हम देखते हैं उसको दिखाने वाली हैं, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। पुस्तक झट पर चलना सीखा, फल स्थल में जीना, अंदर मन में पी छिपाए, पत्थर में मुस्काए, कोई समझ न पाए। हस्तर देती अग्नि परीक्षा, पत्थर बन जी लेती, पति प्रता का धर्म निभाती, दासी बन जाए, कोई समझ न पाए। डर के न्योछावर सब अरमा, घर को स्वर्ग बनाती, दो पार्टों के बीच हंसी में कुचल कुचल कर जाए, कोई समझ न पाए। घटना के बारे में मैंने सुना ध्यान पूर्वक कि मुझे दुर्बल साथी को पहुँचाने के लिए चला गया था। मैंने आया, मैं देखा तो महेंद्र जी रो रहे हैं, तो हमने कहा कि क्या हो गया भाई, अभी तो इतनी बैठकों में मैंने देखा आप कभी रोए नहीं हैं, फिर ये बोल गए थे कि आप पढ़कर देखूँगा। दिवालों में बेटी की विदाई को इन्होंने जिस तरह स्मरण किया और बहुत भावना में पढ़ के थोड़ी देर क्योंकि हम लोग के डूब गए। मैं इसकी पुस्तकों को पढ़ूँगा और बातचीत हमको सहाय जिससे बैठकों में ऐसे बहुत हुई थी और मुझे पता था कि ये रचनाकार हैं और साहित्य सेवा में लगे हुए हैं और प्रगति बात की केवल लेखक नहीं है, प्रगति बात के लिए विकास बात के लिए समाज बात के लिए कुछ करते भी हैं। तो हमको उसी समय आभास होने के बाद में पता चला कि उनकी किताबों का घटनाओं का प्रकाशन होने वाला है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ जिनके पास क्षमता है, बुद्धि है, शक्ति है, विवेक है, सोच है, वो अपनी रचना के समाज को सुप्रभावित करें। धन्यवाद।